714 गवर्नमेंट वैकेंसी है तारे सामने तैयारी करनी है शुरू करो स्टार्ट हो जाओ अब देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों ये थोड़ा सा ब्लर लग रहा होगा आपको आपके स्क्रीन पे आ जाएगा मैंने भी इसको अभी 10 मिनट पहले पढ़ा है क्योंकि कल से मेरे पास कॉल आ रही है मैसेज आ रहे हैं अपने कई स्टूडेंट हैं जिनके नेट जी क्वालिफाइड हैं वो कॉल कर रहे हैं सर ये मौका है अपने पास सर इस मौके को बुनाना है हमने कुछ ना कुछ करना ही है तो एक देखते हैं सबसे खास चीज क्या है देखो सबसे खास चीज है आपकी स्क्रीन पर डाल देंगे आपको क्लियर दिखेगा सो एमसीक्यू क्वेश्चन है सो एमसीक्यू क्वेश्चन में जो मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगी वो ये लगी कि भाई दस परसेंट क्वेश्चन जो आप question, आपके होंगे यानी कि दस क्वेश्चन वो आपके जीके के होंगे या बाकी कोई कॉम्प्रिहेंशन है बेसिक चीज है कल्चरल थिंग है नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन यानी कि नब्बे क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट से है इससे बड़ी कोई खुशखबरी की चीज नहीं होगी क्योंकि आप पे कोई प्रेशर नहीं है जीके की तैयारी करने का कोई ऐसा वो नहीं होगा कि बहुत पढ़ना पड़ेगा तो ही पास होगे आपका सब्जेक्ट अच्छा है आपकी सब्जेक्ट की कमांड अच्छी है और खास करके हरियाणा के वो बच्चे जो हमारे साथ क्लासेस में थे पढ़ चुके हैं एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं उनकी अपनी प्रिपरेशन अगर पहले से अच्छी है और अगर आपको लगता है कि नहीं धूल जम गई धूल जम गई और पॉलिश मारनी है उस पर तो भाई पॉलिश मारो क्योंकि 90 परसेंट तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है अब दूसरी सबसे खास चीज जो है वो क्या है आपको मिनिमम 50 परसेंट मार्क्स लाने ही लाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं आप अदर कैटेगरी में है तो फोर्टी फाइव सौ में से पचास लाने हैं कौन सी बड़ी बात है मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूं देखो मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट आप बोलोगे सर आपके लिए बड़ी बात नहीं है पर ऐसी बात नहीं है अगर आपका टीचर कैपेबल है और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है तो फिर आपको क्या जरूरत है आपको सिर्फ इतनी जरूरत है कि उस टीचर से सारा सीख लो तो दोस्तों यार सौ में से पचास परसेंट नहीं ला सकते क्या इतने बुरे हाल थोड़ी हमारे तो करना क्या है यहाँ पे देखते हैं ये सारी चीजें आप स्क्रीन पर देख लो रूल्स रेगुलेशन आपको पता ही है लगभग 12 परसेंट साढ़े बारह परसेंट चांस इन्होंने दिया है इंटरव्यू में बाकी सब आपका रिटर्न है, ये भी है।, परसेंट वेटेज है के लेकिन बड़ा अच्छा हो मेरे को इंटरव्यू निकाल दिया कुछ नहीं एट्टी परसेंट है इतना बढ़िया स्कोर करो कि इंटरव्यू वाला भी सोचे हटा नहीं सकते भाई पेपर में करके है अब चलते हैं सबसे खास चीज पे जिसके लिए आप मेरे को कल से कॉल मैसेजेस कर रहे हो बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी पहले से तैयारी है जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की है जिनको मेरे साथ पढ़ने की वजह से सक्सेस मिली है उनका तो मेरे पे ब्लाइंड फेद है कल तो उनके मैसेज आ ही रहे थे कॉल भी आ रहे थे अपने कई बच्चों को तो मैं नाम नहीं सकता हूँ अभी वो कह रहे हैं सर आपके साथ तैयारी करनी है गोल्डन चांस है गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी सर लाइफ सेटल हो जाएगी एक भाई तो मेरा ये भी कह रहा था गुरु मेरा ब्याह हो जाएगा तो भाई अगर ब्याह हो जाएगा तो हम भी इसको सीरियस ले रहे हैं और ये पहली बार है कि मैं किसी लोकल एग्जाम को सीरियसली ले लूंगा देखो दोस्तों पहली चीज़ इसने बोला है चौसर टू प्रेजेंट डे भाई चौसर तैयार करना बड़ी बात नहीं है चौसर दुनिया पढ़ती है अंग्रेजी में जो भी लिटरेचर की शुरुआत करता है वो चौसर से शुरू करता है बट जब बात आती है प्रेजेंट प्रेजेंट डे डे भाई साहब का मतलब ये है कि 21 दिसंबर तक की तो कोई चेंज है ना लिटरेचर में वो आपके पेपर में आ सकता है आप बोलो गुरु जी इतना लेटेस्ट कैसे आ सकता है क्यों नहीं आ सकता भाई अभी पिछले एक महीने में तीन बड़े राइटर मरे हैं तीनों बड़े राइटर में से किसी एक की डेथ आ जाए दो महीने पहले गीतांजलि श्री को बुकर अवार्ड मिला है टॉम ऑफ सेंड होगा शायद है ना तो समझो इन्होंने एक बात बोली है कि पहली बात तो भाई साहब सब कुछ पढ़ के आना पड़ेगा सब पढ़ना है मेरी हिंदी थोड़ी बेकार ही वैसे ठीक है अब आता है भी सब पढ़ना है लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको मौका देते क्या क्या सब में क्या क्या ड्रामा पोइट्री फिक्शन शॉर्ट स्टोरी नॉन फिक्सल प्रोज भाई साहब नेट का सिलेबस उठाने की कोशिश की है इन्होंने पहले ही चार पॉइंट में आपको नेट का फोर्टी परसेंट सिलेबस तो यहीं दे दिया नेट का सिलेबस चेक करो जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हो आपकी चार यूनिट है ये अब देखो उन्होंने क्या करा है ये आप कर बेस दे दिया अब इस बेस में क्या करा है कि मेन तो ये करना ही करना है ड्रामा क्या होता है कितने टाइप के ड्रामा होते हैं कौन कौन से ड्रामाज है पोइट्री कितने टाइप की है आपको पता नॉन सेंस पोइट्री नाम की भी चीज होती है नॉन सेंस पोइट्री अब ये जब सारी चीजें आप करोगे फिर उन्होंने बोला जी रेनेसा भी करो चलो कर लेंगे रेस्टोरेशन ऑगस्टन रोमांटिक विक्टोरियन मॉडर्न मॉडर्न मैंने दो दिन पहले क्लास में खत्म ऑफलाइन बैच में नंबर वन इन्होंने बात बोली है कि पूरी ब्रिटिश हिस्ट्री टिप्स पे करनी पड़ेगी और खास चीज ये है लिटरेचर

कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन समकालीन मतलब जितने भी राइटर आजकल लिख रहे हैं वो सारे कितने राइटर होंगे आज अंदाजा आपको सारे प्रोटर अवार्ड बुक्रवॉर्डी राइटर्स जिनको अवार्ड नहीं मिलते भाई साहब वो भी इंपॉर्टेंट राइटर हैं ठीक है फिर प्रोमिथियस अवार्ड आर्थर सी क्लार्क अवार्ड ये सारे राइटर्स जो हैं आपको कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में आते हैं नाइनटी नाइन परसेंट लोगों को इनके नाम नहीं पता होते इनके नाम नहीं पता होते ऑनेस्टली बोल रहा रहे आप खुद सोच रहे हैं कंटेम्प्रेरी कितने राइटर आपको याद है इसके बाद आती है लिटरी थ्योरी भारत में किसी का भी अगर डब्बा गोल है तो वो है लिटरी थ्योरी में इंग्लिश लिटरेचर की लिटरी थ्योरी दो चीज है 90 बुरा नहीं नहीं मानना पर 90 में मास्टरों को भी नहीं पता होता कि उन्होंने क्या है लिटरी थ्योरी में मैं टॉप प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा कई ऐसे हैं मेरी जितनी उम्र नहीं है उन्होंने उतने साल से लिटरी थ्योरी पढ़ी है लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा मैं नाइनटी कर रहा हूं तो दस में मैं उनका सम्मान करता हूं जो बच्चे पर परसेंट भाई लिटरी थ्योरी हर किसी को नहीं आती और ये तभी एक हवा बना हुआ है और जब टीचर को नहीं आती तो टीचर करता गया क्लास में टीचर जाता है मगडअप लैंग्वेज के साथ रट्टा मार के कि मैंने ये ये बात करनी है यह ये पॉइंट नोट कर देने हैं बच्चों को तुरंत लिखवाना है जैसे ही बच्चा दिमाग लगाए कि सर ये तो समझ नहीं आया दोबारा बोलो तब तक मैं कुछ लिखवाना शुरू कर दूँ और कुल मिला के लिखवा के ख़त्म करो और बच्चे भी कोई उतने अच्छे नहीं है बच्चों की भी क्या गलती है ठीक है गुरु ने तीन पेज लिखा दिए ये रट्टा मार लेंगे इसी से काम चल जाएगा इन शॉर्ट लिटरेरी थ्योरी आपको सबसे ज्यादा मैटर करेगा इसकी तैयारी बहुत ढंग से करनी पड़ेगी इन्होंने लिखा है क्रिटिसिजम भी साथ में ही है फिर कंटेम्प्रेरी थ्योरी ये है आपका जे एन इसका थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूं क्योंकि यहां दूसरी साइड आ गई है यह है आपका जेएनयू भाई बुरा नहीं मानना है लेकिन एक बंदा आप में से एक सिंगल पर्सन बोल दे मेरे को कंटेम्प्रेरी थ्योरी का पता है अच्छे से आपकी गलती नहीं है आप मैं मैं राजस्थान से हूं हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं ना हमें ग्रेजुएशन लिटरेचर भी यूं ही पढ़ाई गई है एम ए तो आपको पता ही है, ही है है एमए को मैं MA ही बोलता हूं। तो आप समझ सकते हो आपकी गलती नहीं है पर यह है आपका जेन्यू सिलेबस और यह है आपका जो यूनिट टेन आपका ये है आपका लेटेस्ट पार्ट ऑफ कल्चर स्टडी सिनेमा स्टडीज आपने मेरे को अभी देखा होगा एक फंक्शन में मैं एक बॉलीवुड कॉमेडियन के साथ बैठा हुआ था मुश्ताक खान के साथ वेलकम फिल्म वाले जो सर है हमारे क्या करूं मैं इसका?

मैं फिल्म स्टडीज पे काफी टाइम से काम कर रहा हूँ क्योंकि जेएनयू घर से दो किलोमीटर है ऑफिस से चार किलोमीटर है तो मल्टीपल सेमिनार्स अटेंड किए सिनेमा स्टडीज में कहां -कहां पे कैमरा फोकस नाम की थ्योरी है कहां -कहां पे टेलीविजन डिस्कोर्स थ्योरी है ये नॉर्मली भाई साहब जे के बाहर कोई नहीं जानता आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रबल करेंगे यहां से क्यों क्योंकि ये सबको आता है उनको भी पता है उन प्रोफेसर को भी पता है कि ये सबको आता है जो चीज सबको नहीं आती है वहां करने हैं क्वेश्चन पांच क्वेश्चन भी अगर सिनेमा स्टडीज के आ गए तीन क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी थ्योरी के आ गए चार क्वेश्चन लिटरी थ्योरी के आ गए और ऐसे ही दस पांच क्वेश्चन और इधर हो गए बीस क्वेश्चन आपके एग्जाम का गेम चेंज कर देंगे या तो पास या फेल और फेल हुए को कोई नहीं पूछता ध्यान रखना फेल हो गए ना फिर चाहे कितना ही एक्सक्यूज दो कि मैं जी गांव से था गरीब घर गर से था कुछ भी था फेल मतलब फेल ये आपका है सारा मेन पार्ट अब देखो इन्होंने क्या करा है इन्होंने यही चीज दोबारा पूछी थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेंगे हाँ भाई दोस्तों अब ध्यान से देखना के अंदर सबसे खास क्या है चीज थ्योरी यहां पे भी बोला ये भी बोला और यहां भी बोला यानी कि दोस्तों ये होता है, दिमाग वाला काम ये इन्होंने बड़ी समझदारी से आपको पेपर को मल्टीपल पार्ट में बांट दिया लगभग सात पार्ट से बांटा है पेपर के सात अलग अलग पार्ट होंगे तो अगर हम बोले भी नब्बे क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर के हैं पर मेरे ख्याल से अगर दस क्वेश्चन का भी अपने आइडिया ले तो सात जगह से दस क्वेश्चन यानी कि सत्तर क्वेश्चन नब्बे हैं तो बीस और हैं इन शॉर्ट आप देखो आपके साथ क्या होने वाला है होगा ये इसके नाम पे भी लिटरी थ्योरी आएगी क्रिटिसिज्म आएगा और अलग से दस बारह क्वेश्चन तो वो कंफर्म कर ही रहे हैं कि भाई लिटरी थ्योरी आएगी मेजर लिटरी क्रिटिसिज्म कोई इनको पेपर सेटर को पूछे भाई साहब से एक बात आओ जब आप ये क्रिटिसिज्म है इसमें और इसमें क्या फर्क है फर्क कुछ नहीं है उनको भी पता है लेकिन ये बोलने का तरीका है यानी कि आपको अप्रोक्स ट्वेंटी थ्योरी और क्रिटिसिज्म के मिलेंगे और यहां पर जो हमें आसान टेस्ट मैच लग रहा था कि टक टक करके खेल लेंगे ये कर दिया उन्होंने झोल झोल कैसे हो गया ये यहां पे भी आपको लिटरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन देंगे और यहां पे इनके पास पूरा चांस है सात पार्ट में पेपर है नब्बे क्वेश्चन है नब्बे क्वेश्चन को सात से बात कर दो तो अगर हम बोले कि चलो जी बारह क्वेश्चन एक जगह से आ रहे हैं तेरह क्वेश्चन एक जगह से आ रहे हैं तो आपका क्रिटिसिज्म के बारह से तेरह क्वेश्चन तो सिर्फ यहीं से होंगे चार पांच क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे मेजर लिटरी थ्योरीज अच्छा मेजर लिटरी थ्योरीज मेरे दोस्तों गलती मत करना लोगों को लगता है जी न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ लिया फॉर्मलिज्म पढ़ लिया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पढ़ लिया स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डीकंस्ट्रक्शन कर लिया जी स्वाद आ गया बस मेरी होगी थ्योरी पहली बात तो इसमें भी स्वाद नहीं आता ये भी किसी को समझ नहीं आती मैंने क्लास में अपनी क्लास में देखे ऊपर से जाते हुए लेकिन कॉन्टैक्ट जोन स्ट्रेंजर किंग थ्योरी थिंग थ्योरी एब्जेक्ट थ्योरी भरी पड़ी है सैपिर वॉर्फ एनालिसिस थ्योरी बहुत सारी मेजर थ्योरीज है और यहां पे आपका कॉम्पिटिशन होगा जिन लोगों को आइडिया ही नहीं है कि यह है क्या जिनको वेरा ही नहीं होगा कि क्या चीज है वो तो गया भाई जब पता होगा तो ही तो करोगे ना

आप में से कितने लोग रेफरेंस जानते हैं कि एडिशन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इवोल्यूशन क्या है ये ये पूरा पोर्शन इन्होंने स्टैंडर्ड उठाया है ये भी आपका गेम चेंजर होगा अगर दस बारह क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से आ गए ई एल टी आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन आया था नेट की ई एस पी क्या होता है इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज ऐसे कम से कम चालीस टर्म्स और हैं आपको कितने आते हैं यस yes. तो यहां पे आपको घबराना नहीं है क्योंकि देखो मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा टफ पेपर है जितना हमें आसान लग रहा था ऐसा ही होता है कोई भी टेस्ट पेपर ना ऐसा लगता रहा कर लेंगे कर लेंगे ये चीज है इन्होंने थोड़ा सा आपको यहां पे फिर फंसाया है अब देखते हैं आगे क्या अब तो मेरे को भी थोड़ा डाउट ही हो रहा है ऑनेस्टली मैं खुद पहली बार देख रहा हूं मैंने एक रीडिंग करी थी इससे पहले एक रीडिंग करी थी तो मुझे लगा था कर लेंगे इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश लो जी

जैसा कि आपको मैंने बताया मैंने से रीडिंग की थी लेकिन इतना से नहीं देखा था इंग्लिश इन इंडिया जे का टॉपिक है हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन कभी सोचा आपने इंग्लिश इन इंडिया कैसे आई जो थोड़ा सा भी बच्चा पढ़ के आया हुआ बोलेगा जी गुरु जी मैकॉले हाँ जी मैकॉले की बात सही है पर मैकॉले ने करा क्या था अच्छा मैकॉले एक ही था गया एक अकेला बंदा इंग्लिश लैंग्वेज गया यहाँ पे आपको सारे कमीशन सारे नाम जिन बंदों ने यहाँ पे इंग्लिश को डेवलप करवाया फंडिंग्स करवाई कहीं संस्कृत बंद करवा के अंग्रेजी पढ़ाई कहीं उर्दू बंद करा के आपको पता है दिल्ली में उर्दू की पढ़ाई होती थी बनारस में होती थी संस्कृत की पढ़ाई अंग्रेजों ने दोनों जगह पे नोटिस निकाल के दोनों जगह की पढ़ाई बंद की और एक पूरा रिकमेंडेशन दिया कि यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाना है यानी कि इसकी एक प्रॉपर पढ़ाई होती है वंस अगेन ये जे लेवल है इसको हम करेंगे और अब आता है कल्चरल स्टडीज ये अपना फेवरेट टॉपिक भी है लेकिन कल्चर स्टडीज उन्होंने लिखा है इंडिया के रेफरेंस में यानी कि यहां पे इंडियन सब कल्चर्स इंडियन कल्चर स्टडीज आएंगी 90 परसेंट लोगों के पास आइडिया भी नहीं है क्या पढ़ना है बुक्स क्या है कोशिश कर लेंगे टेंशन मत लो मैं हूं यहां पे हाँ ये चीज हरियाणवी फॉक लोर इस चीज में देखो भाई मेरा भी डब्बा गोल है कल मैंने एक क्लास में डिस्कस किया था बातचीत में ऑफलाइन के स्टूडेंट से डिस्कस किया था तो कुछ बच्चे कह रहे थे बोले सर ये इंग्लिश के पेपर में हरियाणवी फॉक क्यों डाला है तो मैंने उनको एक बात बोली थी मैं आपको भी बोल रहा हूँ ये गर्व की बात है मेरे हिसाब से खुशी की बात है। ठीक है जब हम बोलते हैं दूध दही का खाना हमारा हरियाणा तो दोस्तों हरियाणवी कल्चर जानना राजस्थानी कल्चर जानना पंजाबी कल्चर जानना नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम कितना जानते हैं कश्मीर के बारे में कितना जानते हैं तो अगर हमारे अपने एग्जाम में इंडिया के एग्ज़ाम में अगर एक इंडियन कल्चर को जानने का मौका मिलता है तो गलत चीज़ नहीं है रही बात मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं मैं इस फील्ड में टोटल जीरो हरियाणवी फोकलोर मैंने कभी नहीं पढ़ा हाँ लेकिन पढ़ूंगा जरूर कोशिश जरूर करूंगा इस चीज़ की और आप में से जितने हरियाणा के अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको आइडिया है फोकलोर का आप मेरी करोगे हेल्प आप मेरे को बताओगे हरियाणा के टॉप टेन पोइट्स कौन है टॉप टेन राइटर्स कौन हैं टॉप टेन एक्टिविस्ट राइटर्स कौन है ये बताओगे आप क्योंकि इस फील्ड में हम और आप मिलकर पढ़ेंगे अब आता है भाई लिटरेचर इन ट्रांसलेशन क्या आपको पता है कि लिटरेचर इन ट्रांसलेशन क्या होता है गीतांजलि श्री को बुकर अवार्ड मिला है लेकिन वो बुक हिंदी में ट्रांसलेट हुई है इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे राइटर्स चाहे ओ पी विजयन हो चाहे नॉर्थ ईस्ट का राइटर रतन थीयम हो कम से कम पचास मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिनकी किताबें जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हैं प्रेमचंद की कहानी कफन उसको भी श्राउड के नाम से इंग्लिश में पढ़ा जाता है धर्मवीर भारती को पढ़ा जाता है ये सब इंग्लिश ट्रांसलेशन में आते हैं तो ऐसे राइटर्स की आपको बकायदा पूरी लिस्ट प्लस उनकी बुक्स को पढ़ना पड़ेगा अब आपकी लिटरेरी एनालिटिकल स्किल्स को चेक करता है इसमें देखो नॉर्मल सी चीज है जिसकी बहुत बढ़िया पढ़ने की रीडिंग की आदत है वो कर लेगा पर चूंकि अपने आते हैं स्मॉल टाउन से हमारे यहाँ पर अंग्रेजी में इतनी पढ़ाई होती नहीं तो आप निश्चिंत रहो इसके बहुत सिंपल ट्रिक्स हैं दो कि आपको आराम से हम प्रिपेयर करवा देंगे अब इसके बाद आता है अमेरिकन एंड अदर नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर और ये फिर आपके साथ खेल गए जब ये कहते हैं नॉन ब्रिटिश भाई साहब ब्रिटेन छोड़ दो कम से कम ढाई कंट्रीज हैं आपको पता है कोलंबियन राइटर गार्शा मार्क्वेज उसके क्वेश्चन आते पेपर में सिंगापुर की राइटर थी बोनी हिक्स उसके क्वेश्चन है बांग्लादेश की राइटर है मोनिका अली उसके क्वेश्चन है जब ये कहते हैं नॉन ब्रिटिश तो भाई अंग्रेज पढ़ो अमेरिकन पढ़ो और फिर बाकी भी पढ़ो तो ये सीधा ही कह दो ना मेरे हिसाब से सीधा ही कहना तो सब पढ़ रहे हैं जो मिल जाए सब पढ़ रहे हैं तो इन शॉर्ट ये भी आपका काफी लेंथी यूनिट है इसमें आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा फॉर टेन क्वेश्चन और फिर आता है इंडियन एस्थेटिक्स मेरा फेवरेट ये आसान है आसान क्यों है क्योंकि 90 परसेंट लोगों को पता ही नहीं है पढ़ना क्या है और जो 10 परसेंट को पता है पढ़ना क्या है पेपर उससे बाहर नहीं आता पेपर इसमें ऐसा नहीं आता कि आप पढ़ कुछ और रहे हो, आया कुछ और अगर आपने सेलेक्टेड जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने आपको तीस चीजें पढ़ानी है वो तीस में से ही पेपर आएगा अब तक सात आठ साल से तो यही रिकॉर्ड है ये नेट का भी टॉपिक है इसलिए कह रहा हूं तो इसमें घबराने की बात नहीं है मुझे लगता है इसकी टेंशन नहीं है ये तो अपने हाथ में है। अब आता है इंडियन लिटरेरी थियोर क्रिटिसिज्म ये आपका पूरा जेएनयू स्टैंडर्ड डाल दिया उन्होंने पूरा जेएनयू और वो भी जेएनयू पीएचडी इंडियन लिटरेरी थ्योरी बहुत कम लोगों को आती है क्योंकि 90 परसेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं जाती 10 परसेंट यूनिवर्सिटीज में जहां पे लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं वहां पे स्टूडेंट्स इसको एज ए नहीं लेते तो मेरे को लगता है अगर मैं वीडियो खत्म करूं खत्म करने से पहले दो चार बातें बोलूं तो पहली बात तो देखो ऑनेस्टली झूठ नहीं बोलूंगा मैंने फर्स्ट रीडिंग में उसको बड़ा हल्के में लिया था मैंने कहा यार ऐसे ही पेपर है बच्चे ऐसे ही घबरा रहे हैं इतनी बड़ी चीज नहीं कल कुछ बच्चों के मैसेज आए थे मैंने रिप्लाई भी करा कुछ अपने खुद के नेट क्वालिफाइड बच्चों के मैसेज आए थे मैंने कहा यार कर लेना पुरानी चीजें पढ़ लेना हो जाएगा पर आज जब एनालाइज कर रहा हूं ना इसको सामने बैठ के तो एनालिसिस में मेरे को भी लग रहा है कि यार इतना आसान नहीं है बट जो आसान हो फिर वो लड़ाई कैसी तो अपने को क्या कर रहे हैं अपने को मेहनत करनी है सबसे बड़ी चीज क्या इस पेपर को कोई गाइड नहीं कर सकता नहीं ऐसा नहीं है मैं गाइड कर सकता हूं क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो मैंने आज तक गाइड नहीं करी हरियाणवी फोकलोर इज द ओनली थिंग मैंने हरियाणी फोकलोर ना कभी पढ़ा है ना कभी पढ़ा है लेकिन इसके अलावा मैंने सब पढ़ा है सब पढ़ाया है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए पीएचडी क्लासेस भी रखी है पीएचडी में जे गाइडेंस वगैरह मेरे लिए आम बात है तो टेक्निकली आपके लिए बहुत कुछ नया है पर मेरे लिए ज्यादा नया कुछ नहीं है यहाँ पे सिनेमा स्टडीज भी हम जे के लिए कल्चर स्टडीज का पार्ट है डिस्कस करते हैं अब चूंकि अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आई है एग्जाम डेट क्लियर नहीं है तो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम अब आपको लग रहा होगा कि सर बोलेंगे अरे इतनी बढ़िया वीडियो बनी है तो टेंशन मत लो मेरे बैच में आ जाना मैं आपको हरियाणा का ये सब करवा दूंगा नहीं आई एम रियली सॉरी मैं बैच स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा इसके लिए और उसका एक सिंपल सा रीजन है मैं आपको बड़ा सिंपल सा रीजन बताता दू सिर्फ और हरियाणवी फोकलोर ये दो आपके डायरेक्ट अलग सिलेबस है नेट का बाकी ऑलमोस्ट नेट सिलेबस है तो नेट का बैच है वो फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट हो रहा है फ्रेश बैच स्टार्ट होते रहते हैं हमारे आपको अगर सच में तैयारी करनी है आप अपने आप नेट का बैच ज्वाइन करो क्योंकि वैसे ही भी नेट के अंदर ये सब मैं पढ़ाई दूंगा बहुत अच्छे लेवल पे हाँ इतना जरूर प्रॉमिस है कि जब आपका एग्जाम डिक्लेयर हो जाएगा और आप कहोगे सर एग्जाम हमारा डिक्लेयर हो गया उस एक महीना पहले मैं आपको सिनेमा स्टडीज हरियाणवी फोकलोर पर मैं जो भी कर सकता हूं वो प्लस जितने स्टूडेंट्स एचपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनको सेपरेटली लाइव क्लासेस जूम क्लासेस ऐसे ही क्लासेस आपको सेपरेट अटेंशन मिल जाएगी एक महीने के लिए यह मेरी गारंटी है यह हम हर एग्जाम में बच्चों के लिए करते हैं हमारे अपने बच्चे बोलते हैं सर वेस्ट बंगाल सेट है सर गुजरात सेट है तो उनको अलग से गाइडेंस मिलती है तो आपसे सिंपल सा निवेदन है दोस्तों इस सारी चीज के अंदर आपका नाइनटी जो सिलेबस है वो नेट में कवर हो जाएगा तो बिंदास होके इसका पार्ट बनो एक जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है अगर एक जनवरी वाला बैच मिस हो जाता है तो हमारे यहाँ बैच चलते रहते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करो और ये जितने आपको टॉपर्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे इन टॉपर्स की वीडियोज देखो बहुत बहुत धन्यवाद